बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सभी काम काज ठप पड़े हुए हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई भी शामिल है। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसीलिए हम लोगों ने आपके सामने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। जिसका पहला चैप्टर है व्याकरण भाषा तथा लिपि। तो सबसे पहले हम व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, आखिर व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी भाषा को सुचारू रूप से समझने के लिए, सुचारू रूप से लिखने के लिए, सुचारू रूप से बोलने के लिए हमें उस भाषा की व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें किसी भी भाषा पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि व्याकरण में सभी नियम होते हैं, उस भाषा के नियम होते हैं जिस भाषा की हम पढ़ाई करते हैं। व्याकरण से हम पढ़ने, समझने, लिखने इत्यादि चीज़ों को सीखते हैं, जो कि भाषा में बहुत ही काम आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि व्याकरण में भाषा के सभी नियम होते हैं, जो कि हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। अगर जो वे नियम नहीं होंगे तो हम शुद्ध शुद्ध बोलना नहीं सीख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना नहीं सीख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख लीजिए, मेरे को बाज़ार जाना है, मेरे को बाज़ार जाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे को बाज़ार जाना है गलत है। सही रूप होगा इसका, मुझे बाज़ार जाना है। अब यहाँ पर मेरे को, मुझे पता नहीं होता कि गलत है कि सही है, तो हमें शुद्ध और अशुद्ध करने में दिक्कत होती, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से हमें पता है कि मेरे को जगह पर मुझे होगा, इसलिए हमें मुझे बाज़ार जाना है शुद्ध लगता है। तो ये हमें व्याकरण सिखाता है। अगर व्याकरण हम नहीं पढ़ते तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए खाया है, जो कि अशुद्ध रूप है। मैंने रोटी खाई, खाई है जो कि शुद्ध रूप है। तो एक खाया और खाए में जो अंतर है, ये हमें व्याकरण सिखाता है। कवित्री कविता सुना रही है, यहाँ पर देखें कवित्री जो श्रुति लिपि है ये अशुद्ध है, क्योंकि का वा या हर्षिकार तरह हर्षिकार है, जो कि गलत है। इसका सही रूप होता है का वा या हर्षिकार तरह दीर्घिकार, कवित्री कविता सुना रही है, यह शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर हम श्रुति लिपि की बात कर रहे हैं, जो कि हमें व्याकरण सिखाता है। अगर हम व्याकरण नहीं सीखते तो हमें श्रुति लिपि के बारे में जानकारी नहीं मिलती, हम इसे सही रूप शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए व्याकरण की अत्यंत आवश्यक है, तभी हम किसी भाषा पर पकड़ बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर जो अंग्रेज़ी भाषा पढ़ते हैं तो हम अंग्रेज़ी व्याकरण पढ़ते हैं ताकि अंग्रेज़ी भाषा हमें अच्छी तरह आ जाए। हम हिंदी पढ़ते हैं तो
हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हमें हिंदी भाषा पर पकड़ हो जाए। हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो हम पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हमें संस्कृत भाषा पर अच्छी तरह पकड़ आ जाए। तो व्याकरण की यही खासियत है जो कि हमें भाषा पर पकड़ दिलाती है। अब व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। वर्ण विचार में हमें वर्ण के बारे में पढ़ना होता है, वर्ण के क्या रूप हैं, वर्ण के क्या उच्चारण हैं, किन वर्णों का क्या उच्चारण होता है, किन वर्णों को कैसे लिखा जाता है, कौन से वर्ण के भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं इत्यादि के बारे में हमें, कहने का मतलब है कि जितने भी वर्ण हैं सभी वर्ण के बारे में हमें वर्ण विचार में ही पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। उसके बाद शब्द विचार, इसमें भी शब्द के बनावट, शब्द के भेद, शब्द के रूप इत्यादि के बारे में हमें सिखाया जाता है। उसके बाद वाक् विचार, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यों के रूप, वाक्यों के भेद, एक वाक् से दूसरे वाक् में परिवर्तन इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये व्याकरण के जो तीनों अंग हैं, ये व्याकरण की रीढ़ है, ये तीनों मिलकर ही हमें व्याकरण को सुदृढ़ बनाती है। अगर ये वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक् विचार नहीं होंगे तो व्याकरण की कल्पना करना भी मुश्किल है। उसके बाद आप आते हैं अब भाषा पर, कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले कि हम, जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने भावों या विचारों को आपके सामने बोलकर प्रकट कर रहा हूँ। तो बोलने के समय जो जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो ध्वनि मेरे मुँह से निकल रही है वही भाषा है। भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के मन में जो विचार होता है, भाव होता है, सोच होती है, उसको वे भाषा के द्वारा किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो आप अपनी मम्मी से खाना मांगते हैं कि माँ मुझे खाना दो, तो माँ मुझे खाना दो यह एक भाषा है। चलिए हम ऐसा समझते हैं कि आपको भूख लगी, आपको भूख का एहसास हुआ और आपको खाना चाहिए, तो आपके मन में विचार आया कि मुझे खाना खाना चाहिए, आपके मन में भाव आया कि मुझे खाना खाना चाहिए। अब उस विचार को आप माँ के सामने कहकर प्रकट करते हैं कि माँ मुझे खाना दो। अब माँ मुझे खाना दो जो वाक्य है या भाषा है जिसके माध्यम से आप अपने अपनी माँ के सामने अपने भाव को प्रकट किए हैं, अगर ये भाषा नहीं होती तो आप अपने मन के जो विचार हैं अपनी माँ के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं और आपकी माँ नहीं जान पाती कि आपको भूख लगी है। तो जब आपको भूख लगा, आप अपनी माँ के सामने बोलकर प्रकट किए कि
कि माँ मुझे खाना दो, तो माँ मुझे खाना दो ही भाषा है जिसके माध्यम से आपकी माँ को पता चला कि आपको भूख लगी है। अगर आप भाषा के द्वारा प्रकट नहीं करते, आप उस ध्वनि को बाहर नहीं निकालते, उस ध्वनि के द्वारा अपने भाव को प्रकट नहीं करते, तो आपकी माँ को पता नहीं चलता कि आपको भूख लगी है। तुम कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है, जरिया है, साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। अब भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक या कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। कहने का मतलब यह हुआ कि हम अपने भावों या विचारों को दो तरह से प्रकट कर सकते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो सबसे पहले हम आते हैं पहला मौखिक या कथित भाषा पर। जब मनुष्य अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करता है, तब वह भाषा मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम अपने भाव या विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। जैसे कि अध्यापक आपकी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और आपको टॉयलेट टॉयलेट जाने का मन करता है, तो आप कहते हैं मे आई गो आउट सर। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन में विचार आया कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपने अपने विचार को बोलकर प्रकट किया और अध्यापक आपके विचार को सुनकर समझ गए कि आपको टॉयलेट जाना है। तो जब आप अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट किए, तो जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो इसे ही मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। इसे कहानी सुनाना और सुनना, कहानी में जब कोई हमें कहानी सुनाता है, तो वो मुख के द्वारा बोलते हैं और हम कान के द्वारा सुनते हैं, तो यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। अध्यापक द्वारा पढ़ाना, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये मौखिक या कथित भाषा के अंतर्गत आता है। रेडियो पर समाचार सुनना, वो रेडियो पर समाचार सुनाते हैं, कहने मतलब हुआ कि बोलकर सुनाते हैं और हम सुनकर समझते हैं, तो ये मौखिक या कथित भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करता है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब मनुष्य के मन में भाव आता है, विचार आता है, और वह बोलकर नहीं बल्कि लिखकर प्रकट करता है, तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपको छुट्टी चाहिए, स्कूल में किसी शादी समारोह में जाना है और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप एक आवेदन लिखते हैं और आपके मन में जो विचार होता है छुट्टी की, उसे आप बोलते नहीं हैं बल्कि उसे आप एक आवेदन में लिख कर देते हैं और उस आवेदन को अध्यापक पढ़ते हैं और आपको आपकी छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने विचारों को बोल कर नहीं बल्कि लिख कर दिए और अध्यापक आपके विचारों को सुनकर नहीं बल्कि पढ़कर समझें। तो जब मनुष्य अपने विचारों को बोल कर नहीं बल्कि लिख कर प्रकट करता है और दूसरा कोई उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आवेदन लिखना या पढ़ना, ईमेल लिखना या पढ़ना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिपि, उसके बाद आती है लिपि। ये लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। कहने का मतलब यह होगा कि सभी भाषा के लिखने की विधि अलग अलग है, ढंग अलग अलग है,
दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें कि 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी भाषा के नाम है। तो ये सभी का जो लिखने का ढंग है, जो विधि है, वो अलग अलग है। तो उसी ढंग और उसी विधि को हम लिपि कहते हैं। तो सभी ढंग और विधि का जो ढंग है, वो सभी को अलग अलग नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम मान लिया कि का शब्द है, का वर्ण है, तो का वर्ण को हम हिंदी में आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, लेकिन उसी का को हम उर्दू में अलग तरीके से लिखते हैं, उसी का को हम बांग्ला में अलग तरीके से लिखते हैं, उसी का को हम मराठी में अलग तरीके से लिखते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है या ढंग होता है, उसके हिसाब से सभी को अलग अलग लिपि में बांट दिया गया है। किसी को हम दाएं से बाएं लिखते हैं तो किसी को हम बाएं से दाएं लिखते हैं, किसी को हम ऊपर से नीचे लिखते हैं तो किसी को हम नीचे से ऊपर लिखते हैं। इसी हिसाब से सभी की लिपि के नाम अलग अलग है। जैसे कि भाषा में आपका हिंदी आ गया, तो हिंदी का जो लिखने का ढंग है, उस ढंग को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत है, उसे भी देवनागरी लिपि कहते हैं। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भी पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। और ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसे हम अलग अलग लिपियों में लिखते हैं। तो बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर था, व्याकरण, भाषा तथा लिपि। इसके अभी और शेष भाग हैं, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसमें जितने भी सारे हैं, ये समझिए कि आपको ये एक तरह से फेयर कॉपी ही है। इसे आप फेयर में लिख लेंगे, और फेयर में लिखने के बाद इसे आप जो भी सारे हैं, ये सभी को आपको अच्छी तरह याद करना है। याद करने के बाद फिर आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे अगले दिन इसी चैप्टर का दूसरा भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।